राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना की ओर से कमलानगर स्थित टेम्पटेशन रेस्टोरेंट में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में परियोजना से जुड़े लोगों ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर 12 चिकित्सकों को धनवंतरी सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की ओर से कमलानगर स्थित टेम्पटेशन रेस्टोरेंट में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में परियोजनाओं से जुड़े लोगों ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर 12 चिकित्सकों का धनवर्ती सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद प्रधानमंत्री औषधि केंद्र के निदेशक रविकांत चावला ने कहा कि धरती पर चिकित्सक भगवान के रूप में होते हैं। उसके पीछे क्योंकि मुख्य रीजन ये भी है कि बिना चिकित्सक के आज समाज में कार्य नहीं हो सकता। दवाइयाँ पब्लिक को जागरूक करने के लिए जो मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन पब्लिक ले, उसके लिए डॉक्टर्स का जागरूक होना, डॉक्टर का जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और जब डॉक्टर जागरूक कर रहे हैं तभी प्रधानमंत्री जनऔषधि जो परियोजना है वो सफल हुई है। 2014 में इसका जो दोबारा से प्रारंभ हुआ और आज 12,000 से ज़्यादा जनऔषधि केंद्र देशभर में कार्य कर रहे हैं। और जो मोदी जी का विज़न है, प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि 2025 में 25,000 केंद्र भारत में खुलें, और ऐसा करने के लिए हम सभी को ताकत लगानी पड़ेगी, तभी 13,000 जो और खोलने हैं जनऔषधि केंद्र वो खुल करके और समाज में एक अच्छा कार्य कर पाएंगे। देखिए, डॉक्टर्स डे तो एक दिन वर्ष में मनाया जाता है, पर प्रैक्टिकली हम डॉक्टर्स के लिए चिकित्सक दिवस हमेशा ही होना चाहिए। हमें, हम लोगों के लिए बिल्कुल ड्यूटी है कि हम अपने मरीजों के लिए समर्पित भाव से कार्य करें, उनके लिए, उनके साथ बिना किसी लालच के, बिना किसी ईगो के हमेशा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहें और जहां तक हो सके हमेशा उनको सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो जनऔषधि के बारे में सिर्फ आपको एक मिनट बताऊंगा कि जब से जनऔषधि आई है, हम क्रॉनिक डिसीजेज की बात करें, चाहे COPD की बात करें, TB की बात करें, लंग कैंसर की बात करें, फेफड़ों के जो कैंसर की बात करें, तो ऐसी महंगी डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज विद ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, तो ऐसी जनरल पब्लिक दवाइयां नहीं खरीद पाती थी। हम लोग करते क्या हैं, सबको जहां भी कहीं CME होती है सारे अपने डॉक्टर्स को भी बताते हैं, जो भी हमारे MD डॉक्टर्स निकल के जाते हैं उन्हें भी बताते हैं कि दोनों दवाइयों का हमने 100% ऐसे पेशेंट लिए, बता रहा हूँ जनऔषधि पर हमने अभी एक रिसर्च की थी। टेम्पटेशन रेस्टोरेंट में आयोजित सम्मान समारोह में मौजूद सेवा आगरा के अध्यक्ष एवं बलकेश्वर के पार्षद मुरारी लाल गोयल ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजनाओं का खासा सराहा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना आज नेशनल डॉक्टर डे है और जिसमें आगरा के प्रमुख डॉक्टर्स का आज यहाँ सम्मान किया गया है, क्योंकि जन औषधि केंद्र की जरूरत इतनी बढ़ गई है और आप देखेंगे कि जनऔषधि केंद्र के सेंटर भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और केंद्रों पर आपको वहाँ भीड़ भी मिलेगी और हर व्यक्ति चाहता है, जागरूक भी हुआ है, हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरे कम बजट में मेरा इलाज हो जाए, मुझे दवाई मिल जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। और ये जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, ये बढ़ रही है, तो इसलिए सेंटर भी बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार कि जिन्होंने देश को एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे किसान, गरीब, मजदूर सबको एक उनके सपनों को पूरा किया है। और उसी आज के क्रम में हम अच्छे डॉक्टरों का, प्रमुख डॉक्टरों का, डॉक्टर तो सभी बढ़िया हैं और डॉक्टर एक ऐसा है जीवन देने वाला, एक जो है वो डॉक्टर ही है जिस पर हमारी आशाएँ हैं, हमारी उम्मीद हैं, तो आज का सम्मान उन सब के लिए हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। नेक्स्ट, कार्यक्रम में CMO पीयूष जैन, टेक संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय के चेयरमैन मनमोहन चावला और सेवा आगरा संस्था के संस्थापक पार्षद मुरारी लाल गोयल मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर।